इस वीडियो में बात करेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर है उसका, जो लास्ट में जब चैप्टर खत्म होता है एक्सरसाइज दिया है, तो कुछ एक्सरसाइज को देख लेते हैं हम। देखो जैसे एक्सरसाइज 4, इसको हमें करना है। देखो इसमें कह रहा है राइट द ट्रू एंड फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है उसको कह सकते हैं चूज करो। इफ फॉल्स, यदि फॉल्स मिले चेंज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को सही करो, स्टेटमेंट को चेंज करके उसे क्या करो, स्टेटमेंट को ऐसा चेंज करो कि वो क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। तो देखना ट्रू और फॉल्स ढूंढना, अगर फॉल्स मिले तो उसे सही कर दो उसमें चेंज करके। एक्टिन इज प्रेजेंट, एक्टिन जो होता है एक्टिन इज प्रेजेंट इन थिन फिलामेंट, तो ये बात तो सही है, एक्टिन किस में प्रेजेंट होता है, थिन फिलामेंट में। कह रहा है एच जोन ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइटेड मसल्स फाइबर जो होता है उसका जो एच जोन होता है रिप्रेजेंट, वो रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है बोथ थिक एंड थिन फिलामेंट। ना बच्चा, एच जोन वो होता है जहां पर थिन फिलामेंट नहीं होता। क्या होता है यहाँ, अगर इसको करेक्ट करना है तो इसको क्या करोगे बच्चा, जिसमें ओनली क्या हो, ओनली थिक फिलामेंट हो। ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन जो होता है बच्चा, ह्यूमन स्केलेटन इसमें कितने बोन होते हैं, 206। बात तो सही है, ये करेक्ट है, ट्रू है। तो पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स, तीसरा है तीसरा है ट्रू, चौथा देर आर 11 पेयर, 11 पेयर रिप्स। नहीं बच्चा, यहाँ क्या होते हैं 12 पेयर, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। स्टर्नम प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, बात ठीक है। इधर देखना, अब बात करते हैं, अब इसको क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, 6 एक्सरसाइज को देखते हैं। स्मूथ मसल्स जो होता है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। स्मूथ मसल्स जो होता है बच्चा, ये क्या होता है, स्मूथ मसल जो होता है इन्वॉल्व, तो पहले का क्या हो जाएगा, 4 से मिला देंगे। ट्रोपोमायोसिन जो होता है वो थिन फिलामेंट होता है, पहले का सेकंड। रेड मसल्स जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन। और स्कल जो होता है बच्चा, उसमें क्या पाया जाता है, क्रेनियम में सूचर्स पाए जाते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद हमें करना है 9, क्या एक्सरसाइज 9। कह रहा नेम द टाइप ऑफ ज्वाइंट बिटवीन द बिटवीन किसके किसके बीच में, एटलस एंड एक्सिस के बीच में बताना है बच्चा क्या पाया जाता है। तो एटलस एंड एक्सिस के बीच में क्या पाया जाता है, पाइवट ज्वाइंट पाया जाता है। उसके बाद कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में क्या पाया जाता है बच्चा, तो क्या लिखेंगे, सैडल। क्या लिखेंगे, सैडल। उसके बाद बिटवीन फैलेंजेस, फैलेंजेस मतलब डिजिट के बीच में कौन सा पाया जाता है, हिंज ज्वाइंट। कौन सा पाया जाता है बच्चा, हिंज ज्वाइंट। फीमर और एसिटाबुलम के बीच में पाया क्या क्या पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बिटवीन क्रैनियल बोन, जो क्रैनियम होता है उसमें कौन सा पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट। बिटवीन प्यूबिक बोन इन पेल्विक गर्डल, पेल्विक गर्डल जो होता है उसमें जो प्यूबिक बोन होता है बच्चा, उसके बीच में कौन सा पाया जाता है, तो क्या बोलेंगे, कार्टिलेज। क्या, कार्टिलेज, कार्टिलेजनस ज्वाइंट। चलो कार्टिलेजनस ज्वाइंट। अब उसके बाद देखना, उसके बाद ऑल मैमल्स, अब इस फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ऑल मैमल्स एक्सेप्ट फ्यू, कुछ को छोड़कर, कितने सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं बच्चा, 7। नंबर ऑफ फैलेंजेस प्रत्येक लिम्ब में कितने होते हैं, 14 होते हैं। उसके बाद थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन, उसके पास होता है 2 एफेक्टिन होता है, एंड 2 अदर प्रोटीन होते हैं, नेमली कौन कौन से बच्चा, 2 अदर प्रोटीन बताओ कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रोपो मायोसिन एंड क्या पाया जाता है बच्चा, ट्रोपोनिन। क्या, ट्रोपोनिन। उसके बाद कह रहा है मसल्स, इन मसल्स कैल्शियम जो होता है स्टोर होता है कहाँ, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम में। कह रहा है फ्लोटिंग रिब्स कौन कौन सा पेयर होगा, तो 11th वाला पेयर बोल दो, और 12, 11th और 12 वाला पेयर। ह्यूमन क्रेनियम मेड अप ऑफ, कितने बोन का बना होता है बच्चा, 8 बोन का बना होता है। तो ये अपनी बात कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज पे।